आपने बहुत सारे तरीके से अंडे की रेसिपी बना करके खाई होगी, लेकिन मैं आज आपके साथ बिल्कुल यूनिक और नई रेसिपी लेकर के आई हूँ अंडे की, जो मिनटों में बनकर के तैयार हो जाएगी और खाने में बहुत ही जबरदस्त बनेगी। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल आपका रसोई घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, पैन जो है वो पूरा गर्म है, तो इसमें हम एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने 6 उबले हुए अंडे लिए हैं, जिन्हें हमने इस तरीके से दो दो पार्ट में कट कर लिया है। अब हम गर्म तेल में मीडियम फ्लेम पे एक एक करके अंडों को डाल देंगे और अंडे को हमें तेल में इस तरीके से डालना है कि उसका जो पीला वाला भाग है वो नीचे रहे और उजला वाला भाग ऊपर रहे। अब हम मीडियम फ्लेम पे ही अंडों को 2 से 3 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। ये अंडे की बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है, इसे आप शाम के नाश्ते में या फिर किसी भी खाने के साथ सर्व करें, ये खाने का टेस्ट बढ़ा देगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो अंडों को हमने 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। अब हम इसमें एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और एक टमाटर को स्लाइसेस में कुछ इस तरीके से कट करके रखे थे, उसे हम इस पे डाल देंगे। और ये सारी रेसिपी जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही बनेगी, ना हमें लो फ्लेम करना है और ना ही हाई करना है। साथ ही हम इस पे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन और एक प्याज को बारीक काट लिए हैं, उन सबको हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इस पे थोड़े से अदरक को कुछ इस तरीके से क्रश करके डाल देंगे। और थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती हम इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इस पे आधा चम्मच गोलमिर्च पाउडर डाल देंगे। स्वाद अनुसार काला नमक हम इसमें डालेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं यहाँ 1 चम्मच काला नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ ही कलर के लिए हम इसमें आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। अब हमें क्या करना है कि हम अंडों को कुछ इस तरीके से पलट देंगे, क्योंकि अंडों को हमें दोनों साइड से फ्राई करना है और सारे मसाले भी अच्छे से इन सब के साथ पक जाएंगे। तो इसी तरीके से बीच बीच में चलाते हुए हम मीडियम फ्लेम पे इन सबको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि अंडों के ऊपर हल्की सी क्रंचीनेस ना आ जाए और ये जो शिमला मिर्च प्याज टमाटर हमने इस्तेमाल किया सब अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे हमने इन्हें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। हमारी अंडे की जो रेसिपी है वो बन करके रेडी है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इस रेसिपी को सर्व करेंगे। तो आप इस मेरी बताई गई रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।